बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अज़र रब्बानी कुकिंग विद रब्बानी में हाज़िर हूँ। व्यूअर्स, कल मैंने आपको आम से मिल्कशेक बनाने की रेसिपी बताई थी, आज मैं आपको मैंगो आइसक्रीम बनाने की रेसिपी बताऊंगा। उसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैंने ले लिए हैं, तकरीबन मैंने एक आम, दो आम लिए थे, उनको मैंने छिलका उतार के गुठनी निकाल के उसके चंक्स निकाल लिए, ऑलमोस्ट अराउंड कोई 400-450 ग्राम्स बने हैं। उसके साथ मैंने दो जो हैं मैंने ऑलपर क्रीम के पैकेट्स ले लिए हैं। एक क्रीम का पैकेट 200 था, mg था, इसका मतलब है कि 400 ग्राम मैंने ले लिए। उसके साथ ही मैंने एक कप कंडेंस मिल्क यूज़ कर रहा हूँ। आप इसके अंदर चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चीनी से आपके साथ ये होगा कि इसके अंदर क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे और एक स्मूथ लुक नहीं आएगी आइसक्रीम की, इसलिए मैं कंडेंस मिल्क ले रहा हूँ। और साथ ही मैंने वनीला एसेंस ले लिया, इसके मैं 3-4 ड्रॉप यूज़ करूँगा खुशबू के लिए। एक इससे टेस्ट भी थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा और एक खुशबू भी अच्छी आ जाएगी। तो चले आए मैंगो आइसक्रीम तैयार करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता जाऊंगा, जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को देखें और मेरी रेसिपीज़ के बारे में कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं कि वो कैसी हैं। तो चले आए मैंगो के आइसक्रीम बनाना स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, मैंने ब्लेंडर ले लिए और आम की मैं पहले मैंगो प्यूरी तैयार कर लूँगा। उसके लिए जो मैंने चंक्स काटे थे आम के, उनकी मैं प्यूरी बना लूँगा, ब्लेंड कर लूँगा। आम को मैंने अच्छे तरीके से ब्लेंड करके उसकी प्यूरी बना ली है और अब मैं इसको उस बाउल में डाल रहा हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि प्यूरी बनाते वक्त आपने इसके अंदर पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ आमों को आपने ब्लेंड करना है अच्छे तरीके से। तो ये हमारी मैंगो प्यूरी तैयार हो गई है और अब क्रीम को हम ब्लेंड कर लेते हैं अच्छे तरीके से। चले आए हम अपने मिक्सिंग जार में जो है वो क्रीम डाल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं और बताता जाऊँ कि मैंने जो भी इंग्रेडिएंट्स लिए हैं इंतहाई चिल करके लिए हैं। मैंने मैंगो प्यूरी के लिए जो आम लिया था वो भी चिल्ड था, और जो ये जो क्रीम है ये भी मैंने काफ़ी ठंडी ली है, और जो कंडेंस मिल्क यूज़ करूँगा वो भी मैं ठंडा हुआ हुआ इसके अंदर यूज़ करूँगा। तो इसके अंदर अभी हम इसको मिक्स कर लेते हैं। व्यूअर्स, मैं इसको अब मिक्स करने के लिए रेडी हो गया हूँ, तो चले आए अपनी क्रीम को मिक्स कर लेते हैं। व्यूअर्स, हमारी क्रीम जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है और इस स्टेज पे अब मैं इसके साथ ही क्रीम के साथ कंडेंस मिल्क ऐड कर लूंगा अपना, और 1-1.5 मिनट में कंडेंस मिल्क के साथ भी इसको मैं बीट करूंगा। कुकिंग करते वक्त या कोई रेसिपी या कोई डिश तैयार करते वक्त हमारी सबसे पहली जो तरजीह होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया ना हो, जो भी चीज़ हो उसका इस्तेमाल हम अच्छे तरीके से करें ताकि वो चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। तो ये मैंने कंडेंस मिल्क मैंने अपने जार में ऐड कर ली है और अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी क्रीम और कंडेंस मिल्क को हमने अच्छे तरीके से बीट करके तैयार कर ली है। अब इस स्टेज पे हम इसके साथ मैंगो प्यूरी को ऐड करेंगे। और यहाँ पे एक छोटी सी मैं आपको टिप देता जाऊँ कि आपने कंडेंस मिल्क जो है, बाज़ औक़ात आपके पास आम खट्टे आ जाते हैं या थोड़े से कम खट्टे होते हैं या बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, तो वो उसको चेक करके उसका टेस्ट लेके उसके बाद कंडेंस मिल्क आपने ऐड करना है। मैंने अब जिस तरह 400 ग्राम आम लिए और वो थोड़े से इतने ज़्यादा मीठे नहीं थे, तो मैंने एक कप कंडेंस मिल्क इसके अंदर मैंने डाला है, जो कि ऑलमोस्ट 300 ग्राम बन जाता है। तो मैं अपनी मैंगो प्यूरी इसके अंदर ऐड कर लेता हूँ और उसके बाद इनको अच्छे तरीके से आपस में मिक्स कर लूँगा, और साथ ही 2-3 कतरे मैं वनीला एसेंस के भी इसके अंदर ऐड करूँगा। तो मैंगो प्यूरी मेरी इसके अंदर ऐड हो गई है। इस स्टेज के ऊपर मैं साथ ही जो है 2-3 कतरे वनीला एसेंस के डाल लूँगा, इससे खुशबू अच्छी आती है और जायका भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो वो भी मैंने कर ली है और अब आए इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं।
हमारा मैंगो कंडेंस मिल्क और क्रीम का मिक्सचर जो है वो तैयार हो चुका है, जिससे हमने आइसक्रीम को फाइनल शेप देनी है। और अब मैं इसका बॉक्स ले लूँगा जिसके अंदर मैं आइसक्रीम फ्रीज करूँगा, और वो बॉक्स भी जो है वो मैंने तकरीबन आधे घंटा पहले से मैंने उसको फ्रीज करके रखा हुआ फ्रीज़र में रखा हुआ था ताकि वो ठंडा हो जाए। तो ये वो ठंडा हो गया और अब इसके अंदर मैं आइसक्रीम ऐड करूँगा। मिक्सचर मैंने आइसक्रीम बॉक्स में डाल लिया है, जो बॉक्स मैंने पहले से ठंडा करके रखा हुआ था। और देखिए माशाल्लाह कितनी स्मूथ लुक आ रही है। और इसको अब हम रैपिंग शीट के साथ जो है वो इसको रैप करेंगे, इसको कवर करेंगे ताकि ये थोड़ा एयर टाइट हो जाए। और उसके बाद जो है हम इसके ऊपर इसका ढकना भी दे देंगे। रैपिंग शीट से मैंने इसको एयर टाइट कर लिया है और अब इसके ऊपर मैं इसका ढकना दे दूंगा, कवर दे दूंगा, और इसको मैं ऊपर से मज़ीद अच्छे तरीके से बंद कर दूंगा। और इसको मैं बंद करने के बाद तकरीबन 10 से 12 घंटे के लिए मैं फ्रीज़र में इसको आइसक्रीम को फ्रीज़ होने के लिए मैं रख दूंगा। और चलें इसको फ्रीज़र में रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स तकरीबन 10 से 11 घंटे हो चुके हैं हमें आइसक्रीम रखे हुए फ्रीज़र में, तो चले आए खोल के देखते हैं कि कैसी तैयार हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त आइसक्रीम तैयार हुई है। अब इसको हम डिश आउट करके स्कूप के साथ प्लेट में डाल के देखेंगे। माशाल्लाह जी, हमारी आइसक्रीम रेडी हो गई है खाने के लिए। मैं इसको अब टेस्ट भी कर लेता हूँ। यमी, बहुत मज़े की आइसक्रीम बनी है। आप लोग भी घर में एक बार ट्राई लाजमी कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को देखें, उनको लाइक करें और मेरी रेसिपीज़ के बारे में कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।